हेलो एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन और पॉपर सूट। सूट फाइल्ड बाय इंडिजेंट पर्सन्स देकर रखा है सीपीसी के ऑर्डर 33 में। इंडिजेंट पर्सन के पहले जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता था वो था पॉपर। जहाँ जहाँ पर भी शब्द पॉपर इस्तेमाल किया गया था उस जगह पर पॉपर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया शब्द इंडिजेंट पर्सन को। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है उसका जो सोशलिस्टिक पैटर्न है उसके हिसाब से ये ठीक नहीं था। इसे चेंज किया गया लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे जो कि 54th रिपोर्ट में दी गई थी। जब भी किसी सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है तो वहाँ पर कोर्ट फी पे करना पड़ती है, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने गरीब होते हैं कि वो कोर्ट फी पे नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि इतने गरीब हैं जो कि कोर्ट फी पे नहीं कर सकते हैं उनको एग्जेम्पशन दी जाती है। ये एग्जेम्पशन ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी में दी जाती है। ऑर्डर 33 के बेसिक ऑब्जेक्टिव को केरला हाई कोर्ट के द्वारा डिस्कस किया गया था सुमति वर्सेस नारायणी के केस में। इसमें ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि जो रियल टेस्ट है वो ये है कि जो पिटिशनर है वो ऐसी पोजीशन में है या नहीं है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स में उसकी पोजीशन को कन्वर्ट कर पाए, अगर उसके पास ऐसी कोई पोजीशन है तो लिक्विड कैश में बिना किसी दिक्कत के, यहाँ पर उस व्यक्ति को परेशानी भी ना हो और उसके द्वारा देर भी ना की जाए, और ऐसा रिक्वेस्ट कोर्ट फी को पे करने के लिए किया जाए। जो टर्म है इंडिजेंट पर्सन उसे डिफाइन किया गया है ऑर्डर 33 के रूल 1 में। इंडिजेंट पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसके पास पर्याप्त अमाउंट नहीं है, पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपनी कोर्ट फी को पे कर सके। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो शब्द पर्सन है जिसे मेंशन किया गया है ऑर्डर 33 रूल 1 में वो ना सिर्फ नेचुरल पर्सन को इंक्लूड करता है पर इसके साथ में जुडिशियल पर्सन को भी इंक्लूड करता है। जुडिशियल पर्सन जैसे कि कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इंटेलिजेंट पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसके पास सफिशिएंट मींस नहीं होते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी से तात्पर्य है वो प्रॉपर्टी जिसे अटैच नहीं किया जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में। तो अगर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है उसके पास में सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो जो लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फी है उसे पे कर सके, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को इंडिजेंट पर्सन कंसिडर किया जाता है। जहाँ पर ऐसी कोई भी फ़ी प्रिस्क्राइब्ड नहीं करी जाती है और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसके पास में 1,000 रुपीज़ तक की भी प्रॉपर्टी नहीं है एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी के अलावा, तो यहाँ पर भी व्यक्ति को इंडिजेंट पर्सन कंसिडर किया जाता है। अगर कभी किसी परिस्थिति में ऐसा होता है कि व्यक्ति के द्वारा जो एप्लीकेशन है उसे पेश कर दिया जाता है और ऐसी एप्लीकेशन को देने के बाद वो व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी अक्वायर कर लेता है पर यहाँ अभी भी एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं आया होता है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति ने अक्वायर करी है उसे कंसिडरेशन में लिया जाएगा और उसे कंसिडर करने के बाद ही बताया जाएगा कि जो एप्लीकेंट है वो अब एक इंडिजेंट पर्सन है या नहीं। ऑर्डर 33 का जो रूल 1A है वो बताता है कि सबसे पहले तो एक इंक्वायरी करी जाती है चीफ मिनिस्टेरियल ऑफिसर ऑफ कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर जो भी ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट आती है कोर्ट चाहे तो उसे भी अडॉप्ट कर सकती है या फिर खुद भी इंक्वायरी कर सकती है। ऑर्डर 33 का जो रूल 4 है वो कहता है कि जब जो एप्लीकेशन होती है उसे प्रॉपर फॉर्म में सबमिट करा जाता है और ड्यूली प्रेजेंट करा जाता है तो ऐसे समय पर जो कोर्ट है वो एग्जामिन कर सकती है एप्लीकेंट को क्लेम और एप्लीकेंट की प्रॉपर्टी के संदर्भ में। ऑर्डर 33 का जो रूल 2 है वो कहता है कि हर एक एप्लीकेशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर्स का होना ज़रूरी होता है, ऐसे पर्टिकुलर्स जो कि आवश्यक होते हैं प्लेन्स टू सूट के लिए, एक स्केड्यूल जिसके अंदर बताया जाए कि व्यक्ति के पास में कितनी मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिग्नेचर और वेरिफिकेशन जैसा कि प्रोवाइड किया गया है ऑर्डर 6 रूल 14 और 15 में। यहाँ पर जो क्लेम है वो पर्सन के द्वारा प्रेजेंट किया जाना चाहिए कोर्ट के समक्ष
और यहाँ पर व्यक्ति को इन पर्सन वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। अगर कभी ऐसा है कि उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि वो कोर्ट में अपीयर नहीं चाहे तो नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर उसको एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी ऑथराइज्ड एजेंट के हाथ से। ये जो व्यक्ति है जो कि कोई ऑथराइज्ड एजेंट है, वो सारे सवालों का जवाब देगा उस व्यक्ति के बिहाफ पे जिसके अंदर एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर जब भी कोर्ट किसी भी व्यक्ति को एग्जेम्प्ट करता है कोर्ट फी पे करने से, या फिर किसी भी व्यक्ति को इंडिजेंट पर्सन कंसिडर करता है, तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट होता है उसको भली भांति एग्जामिन किया जाता है कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर उसके क्लेम को एग्जामिन किया जाता है, साथ ही साथ जो भी एप्लीकेंट की प्रॉपर्टी है उसे भी एग्जामिन किया जाता है। जब कोर्ट के पास में कोई वजह नहीं होती है व्यक्ति की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की, उस हिसाब से जैसे कि रूल 5 कहता है, तो ऐसे समय पर कोर्ट के द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है डिफेंडेंट को और गवर्नमेंट प्लीडर को, और एक दिन तय किया जाता है। उस दिन जो भी व्यक्ति एप्लीकेंट है उससे जो एविडेंसेस हैं उनको रिसीव करा जाता है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति है जिसने एप्लीकेशन फाइल करी है कि वो इंडिजेंट है, तो यहाँ पर उसको इस बात को प्रूव करना पड़ेगा। उसी दिन जो अपोजिट पार्टी है वो भी एविडेंसेस पेश कर सकती है रिबटल के लिए। यहाँ पर कोर्ट क्वेश्चन करती है उन विटनेसेस को जो कि दोनों पार्टीज़ के द्वारा लाए जाते हैं। एक बार जब दोनों पार्टीज़ के द्वारा विटनेसेस को प्रोड्यूस कर दिया जाता है, जो एविडेंसेस होते हैं उनको देख लिया जाता है, और जो हियरिंग होती है वो समाप्त हो चुकी होती है, उसके बाद कोर्ट के द्वारा डिसाइड करा जाता है कि जो एप्लीकेशन है उसे परमिट करना है या फिर रिफ्यूज़ करना है। एक बार जब व्यक्ति की एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है और जो व्यक्ति एप्लीकेंट है उसे इंडिजेंट पर्सन मान लिया जाता है, तब जो एप्लीकेशन होती है उसे नंबर कर दिया जाता है और रजिस्टर कर दिया जाता है, और फिर उसे सूट में प्लेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। एक बार जब ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है तो सूट को प्रोसीड किया जाता है ऑर्डिनरी तरीके से, और इसके साथ ही फिर प्लेंटिफ को कोर्ट फी पे नहीं करनी पड़ती है। ऑर्डर 33 का जो रूल 9 है ये कहता है कि जो कोर्ट है वो प्लेंटिफ को दी गई परमिशन जिसके अंदर उस व्यक्ति को इंडिजेंट पर्सन मान लिया गया है, तो उसे कभी भी विड्रॉ कर सकती है अगर डिफेंडेंट के द्वारा एप्लीकेशन दी जाती है। और ऐसी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ग्राउंड स्पेसिफाई किए जाते हैं जिनके बेसिस पे ये जो परमिशन है इसे विड्रॉ किया जाना चाहिए। जब भी ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को इंडिजेंट पर्सन मान लिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को किसी प्लीडर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो जो कोर्ट है जैसे भी सरकमस्टेंसेस है केस के उसके हिसाब से एक प्लीडर अलॉट कर सकती है ऐसे व्यक्ति को। अगर जो प्लेंटिफ है वो सक्सीड हो जाता है सूट में, तो ऐसे समय पर जो कोर्ट रहती है वो एक एस्टिमेट निकालेगी कि कितनी कोर्ट फी पे करी जानी थी, अगर जो प्लेंटिफ है अगर वो इंडिजेंट पर्सन नहीं होता तो उसके द्वारा कितनी फीस पे की जानी चाहिए थी, तो उसका एक एस्टिमेट निकाला जाता है। यहाँ पर जो भी सम एस्टिमेट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकवरेबल होता है किसी भी पार्टी से जिसको डिक्री के द्वारा ऑर्डर किया जाता है कि वो ऐसे सम को पे करे। ऑर्डर 33 रूल 5 बताता है कि किन ग्राउंड्स पे जो कोर्ट है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। जब जो एप्लीकेशन होती है उसे ढंग से फ्रेम नहीं करा जाता या फिर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में प्रेजेंट नहीं करा जाता है, तब उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब जो व्यक्ति है जो कि एप्लीकेशन दे रहा है वो व्यक्ति एक इंडिजेंट पर्सन नहीं होता है, तब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब जो भी व्यक्ति एप्लीकेंट है उसने एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के 2 महीने पहले अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया था ताकि उसे कोर्ट से परमिशन मिल सके कि वो एक इंडिजेंट पर्सन की तरह सू कर सके, जहाँ पर कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता है वहाँ पर जो कोर्ट है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। अगर ऐसा होता है कि जो एप्लीकेंट है वो एक अग्रीमेंट कर लेता है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का वो दूसरे व्यक्ति के इंटरेस्ट में आ जाता है, तो ऐसे टाइम पर जो कोर्ट है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। अगर जो सूट है वो कुछ इस प्रकार का है कि वो लॉ के द्वारा बार्ड है, तो ऐसे टाइम पर जो कोर्ट है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकेगी। अगर कोई और व्यक्ति अग्रीमेंट कर लेता है एप्लीकेंट के साथ में जिससे वो ये कहता है कि वो फाइनेंस करेगा लिटिगेशन की कॉस्ट को, तो ऐसे टाइम पर जो कोर्ट है वो रिजेक्ट कर सकता है व्यक्ति की एप्लीकेशन को।
तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन्स, जिसे पॉपर सूट भी कहा जाता है। इसमें हमने ऑर्डर 33 ऑफ CPC को कवर किया।